हाय गाइस, मूवीज अपडेट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली जिस ट्रेलर का हम लोग सदियों से इंतजार कर रहे थे वो अब आ चुका है, जो मुझे कुछ खास नहीं लगा। जी हाँ, मैं बस इस ट्रेलर में दो ही कैरेक्टर को देखना चाहता था, पहला गॉर द गॉड बूचर और दूसरा फीमेल थॉर, जिसमें से फीमेल थॉर का लुक तो दिखाया गया लेकिन गॉर का नहीं, जो मुझे थोड़ा खराब लगा। खैर, इन सब बातों को छोड़ो, आज के मैं इस वीडियो में 1 मिनट 29 सेकंड के टीजर का ब्रेकडाउन करूंगा। जैसे मैं आप इस सीन को ही ले सकते हो, जिसमें अगर आप इस सीन को जूम करके बैकग्राउंड में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि डॉक्टर ऑक्टोपस फाइट कर रहा है, लेकिन क्या सच में डॉक्टर ऑक्टोपस है उसे आज के मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, और साथ ही ऐसे बहुत सारे सीन हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। तो सबसे पहले इस टीजर की शुरुआत ही थॉर के चाइल्ड वर्जन से होता है, जिसमें चाइल्ड थॉर, टीनेजर थॉर और यंग थॉर का जर्नी मेंशन है, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में, जो आई थिंक एक फ्लैशबैक का सीन होगा। और फिर नेक्स्ट शॉट में थॉर पूरे गुस्से में है, लेकिन खास बात तो यह है कि अगर आप इसका कॉस्ट्यूम देखोगे तो गोल्डन कलर का नहीं है बल्कि ब्लैक कलर का है, जिससे ये कंफर्म होता है कि मिड का सीन होगा, क्योंकि वीनो की थॉर इस मूवी में एक गोल्डन कलर का सूट पहनने वाला है। और इस सीन में बेसिकली थॉर लेट से आया है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना भी होगा। और इसी सीन में थॉर फीमेल थॉर को देखेगा, जिसे देखने के बाद वो पूरी तरह से शॉक हो जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि एक्चुअली फीमेल थॉर है कौन, जिस पर और ज़्यादा बात मैं इस वीडियो के एंड में करूँगा, क्योंकि फीमेल थॉर का लुक टीजर के एंड में ही आता है। खैर, फिर नेक्स्ट सीन में थॉर के शांति मिशन के बारे में दिखाया जाता है, जिसमें अब थॉर इस सुपर हीरो वाले कामों से पूरी तरह से उब चुका है और अब उसे शांति चाहिए, और शांति उसे मेडिटेशन से मिल भी रहा है। लेकिन ये कौन सा प्लानेट है ये मुझे नहीं पता, पर इस प्लानेट के पास दो मून है, जो अभी रियल दुनिया में बस मार्स के पास है। और इस जगह पे आप रिंग वाले प्लैनेट को भी नोटिस कर सकते हो, जो अगेन रियल वर्ल्ड में सैटर्न के पास है, मतलब शनि ग्रह के पास है। लेकिन एज यू नो की एक मूवी है तो कुछ डिफरेंट तो देखने को मिलेगा ही। और फिर मार्वल के लोगों के साथ फैट थॉर देखने को मिलता है, जिसमें वो अपने आप को फिर से पहले जैसा बनाना चाहता है, जिसमें वो कामयाब भी होगा। और इसके साइड में जो आप आजकल देख रहे हो वो एक्चुअली किसी गॉड का होगा या फिर गॉडेस का, जिसे गॉड द गॉड बूचर ही मारा होगा, क्योंकि इस ट्वीजर में दो गॉड का आजकल दिखाए गए हैं, जिसमें से एक ये रहा जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो और दूसरा ये। खैर, फिर से भाई सीन पे आए तो यहाँ पर आप थॉर को जूम करके देखोगे तो उसके टॉपिक पे स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर स्ट्रॉन्गर एवेंजर लिखा हुआ है, जो वो अपने आप को मानता है, क्योंकि यह टाइटल थॉर रैग्नारोक मूवी में हल्क को दे दिया गया था, और शायद यही चीज़ थॉर को फिर से पहले जैसा बनाने में मोटिवेट भी कर रहा हो। और फिर नेक्स्ट सीन में रिवेंजर थॉर आता है। वैसे मैं यहाँ पर रिवेंजर थॉर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्वाइज लीग से इस कैरेक्टर का यही नाम दिया गया है, जिसमें इस सीन में थॉर गार्जियन के टीम के साथ एक मिशन पे है, जिसमें थॉर स्टार लॉर्ड की बात नहीं सुन रहा और ऐसा दिखा रहा है कि वही लीडर है। और इस सीन में थॉर बेसिकली किसी के सामने शांति समझौता पेश कर रहा है और बता रहा है कि हम लोग बिना लड़ाई किए भी इस मसले को सुलझा सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होगा नहीं, और दूसरी तरफ से लोग गोली चलाना स्टार्ट कर देंगे, जिसे आप इस सीन में भी नोटिस कर पा रहे होंगे। और फिर गार्जियन उनके टीम ओपोनेंट से फाइट करेंगे, लेकिन थॉर नहीं, क्योंकि थॉर को अब जंग नहीं चाहिए, वो लोगों को मारना नहीं चाहता, और इसी वजह से वो इस सीन में गार्जियन का साथ नहीं दे रहा। और इस सीन में नोटिस करने वाली बात यह है कि इसमें थॉर का एक अलग लुक दिखता है और इसमें एक अलग लुक, और ख़ास बात तो यह है कि दोनों एक ही प्लैनेट का सीन है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही टाइम पे थॉर के पास दो कॉस्ट्यूम हो। तो फिर इसका एक ही जवाब है कि जैसा एवेंजर्स एंडगेम में थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर उठाते ही वो पूरा कॉस्ट्यूम से लैस हो गया था, वैसा ही इसमें भी हो और फिर वो फाइट करने से मना कर दे। और नेक्स्ट सीन में गार्जियन की टीम कहीं जाते दिख रहे होते हैं, लेकिन थॉर नहीं, और ये सकार प्लानेट है, जो इसका वार से पता चल भी रहा होगा। और फिर एक सीन में थॉर का एक मैजिकल गॉड देखने को मिलता है, जिस पर हो सकता है कि थॉर वेलकायरी और कॉर्ग हो, और ट्वाइज लीग के अकॉर्डिंग इस उड़न खटोला पे मैटी थॉर भी होंगी, लेकिन फिलहाल मुझे दो ही कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, एक कॉर्ग का और दूसरा थॉर, और ये सब कहीं जा रहे हैं जो हो सकता है कि न्यू एस्गार्ड की जगह ढूंढने जा रहे हो। बाय द वे, इन दोनों गॉड्स का नाम भी है, एक का नाम है टूट ग्रेसनर और दूसरा का नाम है टूट ग्रेंडर। और इसके बाद यही गॉड्स एक प्लैनेट में ज़्यादा दिख रहा है, जो कौन सा प्लैनेट है ये किसी को पता नहीं, पर इस वाइट शैडो से ये कन्फर्म होता है कि इस प्लैनेट में ज़्यादा स्नो है, जिसके अंदर का सीन भी आगे देखने को मिलता है। वेल, इससे पहले एक छोटा सा ग्लिम्स ओलंपियस का देखने को मिलता है, जो ग्रीक गॉड का एक घर है, और इसमें एक अनाउन बींग्स कहीं जाता दिख रहा है, जो हो सकता है कि गॉड द गॉड बूचर हो। और फिर नेक्स्ट शॉट में थॉर एक पायरेटेड लेडी को किस करता दिखाई देता है, जो एक समुद्र का सीन है, अगर आप इसके पीछे देखोगे तो पीछे शिप टूटी हुई दिखेगी, विच मीन्स कि इस लड़की को थॉर बचाया हो या फिर ये थॉर का सपना हो। और फिर उसी प्लैनेट के साथ ये सीन आता है, जिसमें थॉर एक स्पेस में है, जो अपने स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से इस शिप को लाइट के स्पीड में ट्रेवल करवा रहा है, ताकि वो जल्द से जल्द कहीं पहुँच पाए। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात एक ही है, जो थॉर का सूट है, जो इससे पहले भी हम लोग ट्वाइज लीग्स में देख चुके हैं, लेकिन लाइव एक्शन में देखने के मजे ही अलग हैं। और फिर नेक्स्ट सीन उसी ओलंपियस का आता है, जिसमें ज्यूस अपनी पावर का प्रदर्शन कर रहा है, और ये चीज़ जो आप इनके हैंड में देख रहे हो वो एक लाइटनिंग स्वॉर्ड है,
जिससे वो किसी पर भी अपना बिजली गिरा सकता है। और अनफॉर्चुनेटली ये वही सीन होगा जिसमें गॉड द गॉड बुचर इस कैरेक्टर को मार देगा। जी हाँ, लीक के अकॉर्डिंग यही सजेस्ट किया गया कि जिस बस फैन कैमियो के लिए ही आए हैं जिसका रोल रसल क्रो करने वाले हैं। लेकिन हाँ, अब जब ग्रीक गॉड इंट्रोड्यूस हो ही रहा है तो फिर हो सकता है कि हरकुलिस और पर्सी जैसे कैरेक्टर भी देखने को मिले, जिसमें मैं पर्सनली हरकुलिस के एमसीयू में देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। खैर, फिर नेक्स्ट सीन में थॉर और क्रॉग किसी बात पर चेस करते नजर आ रहे हैं और ये ओलंपस का ही सीन है, क्योंकि बैकग्राउंड में अगर आप नज़र डालोगे तो इस जगह पर सब हरा भरा ही है। और थॉर क्रॉग ओलंपस में विजिट करते हुए नज़र आने वाले हैं ताकि जीस को वॉर्न कर सके कि कोई तो है जो गॉड को हंट कर रहा है। और आप ओलंपस की एंट्री का भी सीन देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि थॉर वेलकैरी और क्रॉग के साथ एक और कैरेक्टर है जो माना जा रहा है कि माइटी थॉर है, जो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इस वक्त थॉर को यह पता ही नहीं कि एक्चुअली माइटी थॉर है कौन। और फिर नेक्स्ट सीन उसी स्नो वाले प्लैनेट का है जिस पर गॉड्स बोट्स ले जा रहा था। और यहाँ पर बेसिकली ये क्रिएचर भी एक गॉड ही है जिसे देखने के बाद थॉर पूरी तरह से सरप्राइज्ड है, क्योंकि इस वक्त थॉर के मन में बस एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर इन गॉड्स को मार कौन रहा है, जिसके बाद वो सीधे न्यू एस्गार्ड आएगा ये पता लगाने कि वो सेफ है या भी नहीं। और फिर नेक्स्ट शॉट न्यू एस्गार्ड का दिखाया गया है जो काफ़ी डेवलप हो चुका है, और इतना डेवलपमेंट के पीछे टूरिस्ट ही है जो अब बहुत ज़्यादा तादाद में न्यू एस्गार्ड आना चाहते हैं, और ये चीज़ आप इनके बस पर भी लिखा हुआ देखोगे। और फिर नेक्स्ट अर्थ का सीन है जिसमें वेलकैरी पूरे सूट वूट में पॉलिटिकल इशू में फंसी हुई है, जिसमें उसे मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और यहाँ पे आप एक कैरेक्टर को भी नोटिस कर सकते हो जो वेलकैरी का पर्सनल असिस्टेंट है, और ये भी सूट वूट में ही है। और फिर नेक्स्ट सीन में थॉर गार्जियन की टीम को अलविदा कह रहा है, जिसमें स्टार लॉर्ड उसे समझाता भी है, लेकिन एट द एंड में किसी तरह थॉर गार्जियन की टीम से पीछा छुड़ा लेता है। और फिर फाइनली इस ट्रेलर के एंड में माइटी थॉर का लुक दिखाया जाता है जो देखने में काफ़ी औसम है। और यहाँ पे थॉर भी सरप्राइज्ड है कि आखिर ये है कौन और थॉर बनी कैसे। और थॉर के पीछे जो ये क्रिएचर देख रहे हो वह ऐसा लगा कि डॉक्टर ऑक्टोपस है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ब्लैक बर्ड सर्कस है जो गॉड द गॉड बुचर के कार्मी है। और कॉमिक में जब गॉड को ये रियलाइज हुआ था कि वो थॉर को हरा नहीं सकता, तो फिर उसने ब्लैक नेक्रोसॉर्ड की मदद से एक सेमी सेंटिनल को बनाया जो इसी टाइप का दिखता है। तो मे भी ऐसा स्टोरी इसमें भी हो, लेकिन ये क्रिएचर किसी दूसरी चीज़ से बने होंगे, क्योंकि नेक्रोसॉर्ड को एक्चुअली पहले ही हेला यूज कर चुकी है, तो फिर वो गॉड के पास नहीं हो सकता। खैर, अब बात करते हैं कि नेटली पोर्टमैन की कैरेक्टर जेन फॉस्टर एक्चुअली फीमेल थॉर बनी कैसी। तो देखो, कॉमिक में थॉर के अनवर्दी होने के बाद इतमैटी थॉर बनी थी, जिसमें थॉर को अनवर्दी करने के पीछे गॉड द गॉड बुचर का ही हाथ था। लेकिन अब जब गॉड इस मूवी का मेन विलन है तो थॉर भी अनवर्दी नहीं होने वाला, और कुछ लीक के अकॉर्डिंग उसे यह पावर ओडिन के ग्रेप से मिलेगा। और यहाँ पर जेन फॉस्टर कैंसर से सर्वाइव कर रही होगी और उसके थॉर बनते ही वो कैंसर और बढ़ेगा, और एट एंड में ये अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगी ताकि न्यू एस्गार्ड बच पाए। तो ऐसा स्टोरी मे बी मूवी में हो सकता है, क्योंकि कॉमिक में ऐसा ही स्टोरी था। खैर, अब ये टीजर तो ख़त्म होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट था और कुछ खास इंटरेस्टिंग भी नहीं था, और शायद ये जानबूझकर किया गया हो क्योंकि मार्वल अभी चाहता है कि पूरा ध्यान डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी पे ही हो, और ट्रेलर डालने से कुछ हाइप तो कम हुआ ही है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उस दिन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का एक न्यू टीवी स्पॉट भी रिलीज हुआ था, जिसमें हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा सीन देखने को भी मिले हैं। वैसे आप चाहते हो कि मैं उस टीवी स्पॉट का ब्रेकडाउन करूं, तो कमेंट करके बताओ। अगर कुछ लोग भी कमेंट किए तो फिर मैं वीडियो बना दूंगा। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इनकेस अच्छा लगा हुआ तो लाइक करना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। और जब भी सब्सक्राइब करने का मूड बने, चाहे वो आज हो या फिर किसी दिन, तो फिर सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल भी कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। नहीं तो ऐसे सब्सक्राइब करने का कोई फायदा भी नहीं। और कुछ पूछना किसी मूवी के बारे में या फिर किसी वेब सीरीज़ के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई देता हूँ लेट से ही सही। तो फिर मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।